Hello students, welcome to Shishyagram, a channel meant for innovating young minds. Financial management part 6 के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड फाइनेंशियल रिस्क. माय नेम इज ज्योति गुप्ता. लेट्स स्टार्ट द लेसन. आगे बढ़ने से पहले हम ये दो चीजें जानेंगे जो कि बहुत जरूरी है. फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल हमारे कौन कौन से होते हैं और फ्लेक्सिबल कॉस्ट कैपिटल कौन सा होता है. ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल में हमारे पास दो सोर्सेज आते हैं, डेप्ट एंड प्रेफरेंस शेयर्स. इसी तरीके से फ्लेक्सिबल कॉस्ट कैपिटल में हमारे पास आता है इक्विटी शेयर्स. अब पिछली वीडियोज में मैंने बताया था कॉस्ट ऑन डेप्ट इज इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट पे करते हैं, एंड देन कॉस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज डिविडेंड, डिविडेंड देना होता है हमें. तो ये दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड है, इनका रेट पहले से फिक्स्ड होता है, इसलिए इनको फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कहा गया है. जबकि हमें पता है इक्विटी शेयर्स पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, डिविडेंड, एंड इक्विटी शेयर्स की केस में डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इसलिए इसे फ्लेक्सिबल कॉस्ट कैपिटल कहा गया है. फ्लेक्सिबल कॉस्ट कैपिटल ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं होता है. सो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. हम देखते हैं फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है. इंक्लूडिंग डेप्ट कैपिटल अलोंग विथ इक्विटी कैपिटल व्हेन परचेजिंग एन एसेट. इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कोई एसेट खरीदने वाले हों, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए. क्या क्या होते हैं, एक तो हम वो पैसा इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेस करें, और दूसरा क्या होता है, डेप्ट के थ्रू. बट कंपनी के पास पहला ऑप्शन क्या है, इक्विटी से पूरा पैसा ले ले, डेप्ट बिल्कुल भी ना ले, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करे. तो यही बोला जा रहा है कि कोई भी एसेट खरीदते वक्त अगर हम डेप्ट कैपिटल इंक्लूड करते हैं इक्विटी कैपिटल के साथ, तो वो क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज. तो फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी. सो व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज, जब हम कोई एसेट पर चेज करने जा रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कैपिटल से पैसे ना रेज करें, बल्कि उसमें डेप्ट कैपिटल को भी इंक्लूड करें. सो दिस इज फाइनेंशियल लिवरेज. अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जिससे कि जिसके थ्रू हम समझेंगे फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में. लेट्स सी, लेट्स से अ कंपनी एक्स हैज टू बाय एन एसेट वर्थ रुपीज 5 लाख्स. ओके, कंपनी एक्स को एक एसेट खरीदना है जो कि कितने का है, 5 लाख रुपए का. लेट्स सी, इन केस फर्स्ट कंपनी के पास दो ऑप्शंस थे, मैंने बताया, या तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स यूज करे, या तो इक्विटी प्लस डेप्ट. तो टोटल कितना रेस करना है, 5 लाख रुपए. तो केस फर्स्ट में उसने क्या किया कि 5 लाख रुपए पूरे के पूरे इक्विटी शेयर्स के थ्रू उठा लिए, डेप्ट बिल्कुल भी नहीं लिया. देन रिटर्न, तो क्या हुआ, उस परचेज के यूज से हमको कितना रिटर्न आया, 6 लाख रुपए का. तो कंपनी ने प्रॉफिट कितना अर्न किया, ऑब्वियसली 6 लाख माइनस 5 लाख इज 1 लाख. ठीक है, तो प्रॉफिट कितना कमाया कंपनी ने, 20%. अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं जहां पर कि हम डेप्ट इंक्लूड करेंगे, यानी कि वी विल मेक यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. केस टू में हम फाइनेंशियल लिवरेज का यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने डेप्ट कैपिटल यूज किया. और केस वन में फाइनेंशियल लिवरेज नहीं है, क्योंकि हमने डेप्ट नहीं यूज किया, इट वॉज जीरो. लेट्स सी, तो केस टू में हमने क्या किया, हमें टोटल कितना रेस करना था, 5 लाख रुपीज. देन इक्विटी से हमने उठाया 3 लाख्स, एंड डेप्ट से हमने लिया 2 लाख. ठीक है, तो 3 प्लस 2 5 लाख्स, टोटल 5 लाख्स हमें चाहिए थे. देन इंटरेस्ट आया हमारे डेप्ट पे 10%, यानी कि 10% ऑफ 2 लाख्स, हाउ मच इज दैट, 20,000. अब देखो रिटर्न फिर से हमारा 6 लाख का आया, यहां पर भी 5 लाख के एसेट पे 6 लाख का रिटर्न आ रहा था, यहां पर भी 5 लाख के एसेट पे हमको 6 लाख का रिटर्न आ रहा है. लेकिन यहां पे अभी हमको क्या करना है, हमें डेप्ट रिटर्न करना है. एंड
10% इंटरेस्ट। ओके, तो देना कितना है हमको टोटल? 2,20,000। 2,20,000 देने थे, 6 लाख की अर्निंग आई, तो उसमें से माइनस किया तो कंपनी के पास कितना बचा? 3,80,000। अब 3 लाख रुपए तो हमने लगाया था ऑलरेडी, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 80,000 का। अब अगर हम परसेंटेज निकाल लें तो यहाँ पे फायदा कितना हो रहा है? प्रॉफिट हमारा 26.66% हो रहा है, विच इज मोर देन केस वन, जबकि हमने बिल्कुल भी कोई भी डेप्ट नहीं लिया था। ओके, तो केस वन में क्या हो रहा था? हम 5 लाख रुपए लगा रहे थे और हमें मिल रहा था कितना? 1 लाख रुपीज, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हमारे 20% था। देन यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ 3 लाख रुपए लगा रहे हैं और 80,000 कमा रहे हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है? 26.66%। ओके, इज इट क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल लिवरेज इज बेनिफिशियल। फाइनेंशियल लिवरेज किस केस में एप्लीकेबल था? सेकेंड केस में। फर्स्ट केस में नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेप्ट नहीं लिया गया था, डेप्ट वॉज जीरो। केस टू में यहाँ पे हमने डेप्ट लिया, इसलिए वी मेड यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। यहाँ पे हमने फाइनेंशियल लिवरेज का यूज किया और इस तरीके से देखा कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट बढ़ सकता है जब हम यूज करें क्या? फाइनेंशियल लिवरेज का। अब एक केस और देखते हैं, केस थर्ड। तो केस सेकंड हमारा प्रीवियस केस था, जहां पे हमको 5 लाख रुपए टोटल रेज करने थे, तो हमने 3 लाख इक्विटी शेयर्स के थ्रू और डेप्ट के थ्रू लिया 2 लाख रुपीज। नाउ इन केस थर्ड हम क्या करने जा रहे हैं? हम इक्विटी शेयर के कैपिटल को कम करने वाले हैं और डेप्ट से जो पैसा उठाया उसको बढ़ाने वाले हैं। ओके, सो इक्विटी को कर दिया 3 से 2, टोटल अभी भी हमें कितने उठाने हैं? 5 लाख्स। ओके, सो यहाँ पे 3 से इसको कर दिया 2, तो डेप्ट को हमने बढ़ा दिया 2 से, कर दिया 3 लाख। नाउ सी, इंटरेस्ट अगेन 10% हमारा, और फिर से रिटर्न कितना आया? 6 लाख रुपीज। ओके, तो अब हमको कितना रिटर्न करना है? डेप्ट इज 3 लाख एंड 10% इंटरेस्ट है हमारा, यानी कि 30,000, 30,000। तो 3,30,000 इज वॉट वी नीड टू पे बैक। ठीक है, तो 6 लाख में से इसको माइनस कर दिया, तो कंपनी के पास कितना बचा? 2,70,000। अब हम ये देख रहे हैं कि इक्विटी के थ्रू हमने पैसा कितना लगाया था? 2 लाख। तो हमारी प्रॉफिट कितना हुआ? 70,000। ठीक है, अर्निंग कितनी बची कंपनी के पास? 2,70,000, जिसमें कि 2 लाख तो उसने लगाया ही था, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 70,000 का प्रॉफिट हुआ। ओके, अगर हम प्रॉफिट परसेंट देखें तो अब क्या आ रहा है? अब भी आ रहा है 35%। केस टू में हमने 3 लाख रुपए इक्विटी शेयर से लगाए और कमाया 80,000, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 26.66% गया, जबकि केस थर्ड में हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को कम किया, 2 लाख रुपए लगाए और कमाया 70,000, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हुआ? बढ़ गया। ओके, सो डेप्ट को जब हम इंक्रीज करते जा रहे हैं टोटल कैपिटल में, टोटल कैपिटल वाज 5 लाख रुपीज, तो उसमें जब हम देख रहे हैं कि हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ रहा है। तो ये होता है फाइनेंशियल लिवरेज का। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब डेप्ट कैपिटल को इंक्लूड करना टोटल कैपिटल में अलोंग विथ इक्विटी शेयर कैपिटल। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पे एक बात और याद रखनी है कि ये अर्निंग फाइनेंशियल लिवरेज के थ्रू तभी बढ़ती है जब कि हमारा रिटर्न ज्यादा हो। रिटर्न ज्यादा हो किससे? डेप्ट और इंटरेस्ट से। जो पैसे हमको वापस करने हैं, यानी कि डेप्ट कैपिटल और उस पे जो इंटरेस्ट हमें पे करना है, उससे ज्यादा अगर हमारा रिटर्न आ रहा है तो ही ये बात सही होती है कि फाइनेंशियल लिवरेज से प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता है। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट बढ़ जाता है, उनकी अर्निंग बढ़ जाती है। आई होप इट इज क्लियर। अब पीछे की बातें सारी क्लियर हो गई हैं, तो अब हम समझेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल इन द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में डेप्ट कैपिटल के अमाउंट को क्या करना? बढ़ाना। किस लिए? ताकि
टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. हमने पढ़ा डेप्ट कैपिटल को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं टोटल कैपिटल में से, तो वहां पे क्या होता है, प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स का बढ़ता जाता है. तो उसको बढ़ाना ही क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या हो गया, इंक्लूड करना. इंक्लूड करना क्या, डेप्ट को इंक्लूड करना इन टोटल कैपिटल. और जब हम उसको इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, ताकि क्या हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट बढ़े, तब वो हो जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. वैसे ज्यादातर जगहों पे दोनों टर्म्स को, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड फाइनेंशियल लिवरेज, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, एक ही माना जाता है. ओके अब हम समझने जा रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क. ओके सो मैंने बताया था कि डेप्ट कैपिटल जो होता है वो रिस्की कैपिटल होता है. रिस्की कैसे, कि अगर कंपनी डेप्ट वापस नहीं कर पाती या इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं दे पाती, तो क्या हो जाता है, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं. ओके सो डेप्ट इज अ रिस्की कैपिटल. तो नाउ फाइनेंशियल रिस्क क्या हो गया, पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडिंग इन अ सिचुएशन वेयर द कंपनी मे नॉट बी एबल टू पे बैक द डेप्ट एंड इंटरेस्ट ऑन डेप्ट. अगर कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस इनकर कर रही है एंड वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो डेप्ट को पे बैक कर सके या वो इंटरेस्ट दे सके, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर वो रिस्क में आ जाती है एंड दैट रिस्क इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क. ओके पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडिंग इन अ सिचुएशन वेयर द कंपनी मे नॉट बी एबल टू पे बैक द डेप्ट. हमने सोचा तो था कि इतना प्रॉफिट हम कर लेंगे, लेकिन कुछ वजहों से उतना प्रॉफिट हम नहीं कर पाए. ओके हम अपने लॉस, हम अपने कॉस्ट को कवर नहीं कर पाए, कॉस्ट को कवर ही नहीं कर पाए तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, डेप्ट पे करने का या इंटरेस्ट पे करने का. ओके तो वहां पे क्या बन गया हमारे पास, फाइनेंशियल रिस्क. आई होप इट इज क्लियर. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑन इक्विटी.